हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आज आप सभी? आज हम लोग बात कर रहे हैं जो है स्टार्टेड। देखिए, कुछ सेंटेंसेस मैं आप सभी आई हूँ जो मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके वार्षिक पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, इस वीडियो पर बने रहिए अगर पसंद आए तो। ठीक है, लेट्स बिगिन द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट में लिखा है, इट इज Probably that he will never come back. Beginning in. आपको देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्वीट सा क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोल रहे हैं आपसे कि it is probably, हो सकता है that he will never come back. शायद ऐसा हो सकता है कि वह कभी ना आए। तो अब आपको इसको स्टार्ट करना है इनसे। चलिए स्टार्ट करें। इन ऑल प्रोबेबिलिटी या इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ही विल नेवर कम बैक। सिर्फ आपको क्या यूज करना है, इट की जगह पर हमने इन यूज किया और सेंटेंस बन गया। देखिए जरा, ठीक है, सेंटेंस पूरा बन गया आपका। इट की जगह पर इन ऑल बोला है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नेवर कम बैक। सिंपल सी लैंग्वेज में सिंपल सा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग? विगेन ही आस्क्ड मी। अब आपको स्टार्ट कहां से करना है, ही आस्क्ड मी से। कुछ नहीं है, चेंज द नरेशन है, थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में आप लोगों से पूछ रहे हैं वो लोग, बट मैं चाहती हूँ कि आपको इन डिफरेंट लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब अगर एग्जाम में इस टाइप से पूछ ले तुम तो बोलोगे मैम ने कहा था चेंज द नरेशन आएगा, लेकिन इसमें तो नहीं आया। तो इस टाइप की सिचुएशन तुम्हारे लिए ना क्रिएट हो इसलिए मैं लेकर आई हूँ, है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं, नोट करते जाना, इसलिए आंसर की तरह आ रही हूं मैं। ठीक है, देखिए, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वेयर आई वाज गोइंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री। एज सून एज द थीफ, क्या लिखा है, एज सून एज द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड द प्ले बिगेन। अब यहाँ पर इस्तेमाल किसका करना है, बिगेन नो सूनर का। आपको किसका इस्तेमाल करना है, नो सूनर। ठीक है, चलिए आप ये भी कह सकते हैं कि यूज ऑफ नो सूनर। लेको सेंटेंस ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है एज सून एज, क्वेश्चन नंबर थ्री की बात कर रही हूँ, लिखा हुआ है एज सून एज द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड टू प्ले बिगेन। No sooner had the chief guest arrived than he play began. सिर्फ as soon as की जगह पर आपने इस्तेमाल कर दिया no sooner का, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने then इस्तेमाल किया, बाकी सेंटेंस जो करते हो। ठीक है, बना लोगे ना, विश्वास है मुझे आप पर, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि कभी मेरा विश्वास तोड़ देते हो तो डर लगता है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, ये I was surprised at his behavior. मैं उसके बिहेवियर को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर सरप्राइज ही रह गया। और इस्तेमाल क्या करना है, began his, आपको इसे his से इस्तेमाल करना, his से स्टार्ट करना, his behavior को फर्स्ट में लिखना है, that means, okay. चलो चलो काम करते हैं। His behavior surprised me. His behavior surprised me. उसके व्यवहार ने मुझे सरप्राइज कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए जरा। He will certainly succeed. वह अचानक से, succeed मतलब क्या, अचानक से वह कामयाब हो गया। Began he is, आपको इस्तेमाल करना है अभी ही इज का, तो ही इज इस्तेमाल करोगे तो पूरा सेंटेंस बदल जाएगा आईएनजी फॉर्म में। जरा देखिएगा क्या बनना है, तो ये बनेगा ही इज सर्टेन टू सक्सीड, ही इज सर्टेन टू सक्सीड। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं अपन लोग। ठीक है, 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो वीडियो में कंप्लीट हुआ। He is the best student in the class. Use better instead of best. आपको use करना है better. यहाँ पर लिखा है क्या, He is the best. आपको best की जगह पर better use करना है। तो कुछ नहीं, He is better. आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा ना सेंटेंस। He is better than any other student in the class. मतलब आप ये कह रहे हो कि वह all
वह सभी जितने भी बच्चे हैं ना क्लासरूम में उन सबसे बेहतर है। पता है क्या, इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यूज कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंज दिस, या आप बोल सकते हो कि चेंज मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो इसका मीनिंग भी यही है कि वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेटर है इस क्लास में, है ना। वो वाला कहते हैं ना, कान इधर से पकड़े या इधर से बात तो एक ही है, तो बस जस्ट लाइक दैट ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर आपको देखना पड़ेगा कौन सा, 8, 7 देखते हैं पहले। He is too big to stand up without help. इसमें so that का यूज करना है, ये मिसिंग हो गया है इनका लिखने में, भाई इसको पहले आप लिखा करें आप लोग। He is so big that he cannot stand up without help. वह बहुत ज्यादा वीक है तो उसे खड़े होने में बिना किसी मदद के खड़े नहीं हो सकता है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। He tucked the gun under his arm and rushed towards the bridge. And his arm, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसको उल्टा करना है, मतलब कि आखिर जो आखिरी सेंटेंस होगा, सेंटेंस के आखिर में आपको his arm लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोला है कि and his arm, खत्म उससे करना है। ये देख लो भाई, he rushed towards the bridge with the gun tucked under his arm, ठीक है। थोड़े से डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है, इनके रीजन मैंने आपको अलग से वीडियो में समझा दिए हैं बाय द वे। We missed the train right as or since, आपको या तो यूज कर लो एज या फिर सिंस यूज कर लो, एज यू विश। तो क्या होगा, एज वी वर लेट वी मिस द ट्रेन, सिंस वी वर लेट वी मिस्ड द ट्रेन, दोनों ही बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी इन स्पाइट ऑफ का यूज भी आने लगा, पहले इन स्पाइट ऑफ का यूज नहीं आता था, तो इसमें कुछ चीजें इन स्पाइट ऑफ वाली भी डली है। तो आई हैड अ हेडेक, आई एंजॉय द मूवी, ठीक है। राइट विथ इन स्पाइट ऑफ, आपको इस्तेमाल करना है स्पाइट ऑफ। स्पाइट ऑफ मतलब जानते हैं हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के बाद हमेशा मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हेडेक आई एंजॉय द मूवी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ यू वांट मोर अबाउट दिस चैनल सो प्लीज 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 शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। राधे कृष्णा, ऑल ऑफ यू।